झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 आज धनबाद जिले के 74 परीक्षा केंद्रों पर ली जा रही है। परीक्षा के दौरान सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रही। 3 शिफ्ट में ली जा रही ये परीक्षा प्रथम पाली में 8:30 बजे से 10:30 बजे, दूसरी पाली 11:30 बजे से 1:30 बजे और तीसरी पाली 3 बजे से 5 बजे तक चलेगी। दूसरी पाली में परीक्षा देकर सेंटर से बाहर आई महिला परीक्षार्थियों ने बताया कि परीक्षा को लेकर सभी तरह की व्यवस्था संतोषजनक रही। प्रश्न पत्र भी उन्हें निर्धारित समय पर मिल गया। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम थे। वहीं कदाचार मुक्त तथा शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा का संचालन कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर परिक्षेत्र में परीक्षा अवधि तक धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई। निषेधाज्ञा के दौरान परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के अगल बगल अनावश्यक भीड़ लगाना, अवैध रूप से मटर गश्ती करना, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग एवं अनाधिकृत रूप से हथियार लेकर चलने तथा कदाचार से संबंधित किसी प्रकार की गतिविधि एवं वस्तु का उपयोग करने आदि पर प्रतिबंध है। सभी परीक्षा केंद्रों पर 540 से अधिक पुलिस जवान एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा बाधित करने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। कदाचार करते पकड़े जाने पर सेंटर सुपरिंटेंडेंट द्वारा परीक्षार्थी पर FIR दर्ज कराया जाएगा। रविवार को भी ये परीक्षा 3 शिफ्ट में ली जाएगी। एग्जाम बहुत अच्छा गया। सारा व्यवस्था बहुत अच्छा था। हम लोग जैसा चाहते थे वैसा ही सारा सिस्टम से काम हुआ है। इस बार ऐसा नहीं लगता है कि किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है एग्जाम में आगे का। एग्जाम टफ था। सुरक्षा वगैरह इंतजाम? हाँ, सारा कुछ अच्छा था। बेहतर तो पहले से था, मतलब इससे पहले जो हुआ उससे अभी बेटर था। हाँ, फायदा तो होगा इसमें। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को इस चीज का, मतलब बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम का जो पूरा ये हुआ था, शेड्यूल जो तैयार किया गया था बहुत अच्छे तरीके से था और हम लोगों के सामने सब कुछ ओपन हुआ, उसको लेकर के तो कोई डाउट ही नहीं है। जाहिर सी बात है, फर्क तो पड़ता ही है इससे। कुछ भी मतलब बाहर की चीजें अंदर नहीं ये एंटर कर सकती है, यही और क्या। सुरक्षा के अंदर क्या? सुरक्षा को बहुत बहुत अच्छा, सुरक्षा को बहुत अच्छा था।